कौन है वो एक्सीडेंट वाली लड़की और क्या हुआ उसके साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। एक लड़की जिसका एक्सीडेंट हुआ और जिसकी खबर लेके पुलिस वाला अनुज और अनुपमा के पास गया। अब अनुज शिनाख्त करने गए हैं कि कहीं वो पाखी तो नहीं है, क्योंकि पाखी जैसा ही डिस्क्रिप्शन उसका भी है। तो सवाल तो आता है दिमाग में कि आखिर वो लड़की कौन है, क्यों मिलती है पाखी से उसकी डिस्क्रिप्शन। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अनुज गया है हॉस्पिटल शिनाख्त करने के लिए और अनुपमा और बाकी लोग घर पे इंतजार कर रहे हैं। अब पुलिस को जो हुलिया बताया गया था पाखी का, उसमें पाखी जो लास्ट इमेज में थी, अच्छी सी साड़ी पहनी हुई है, गजरा वगैरह सब लगाया हुआ, तैयार है क्योंकि राखी का त्योहार है। अब राखी का त्योहार है, अहमदाबाद है, गुजरात है, तो बाकी बहनें भी कुछ ऐसा ही तैयार होकर अपने भाइयों को राखी बांधने गई होंगी। और पाखी कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो है नहीं कि कोई और इससे मिलता ना हो। हाइट उतनी हो सकती है लड़की की, गोरी भी हो सकती है, सुंदर भी हो सकती है, और बाकी सब गेटअप तो हो ही सकता है क्योंकि नॉर्मल ऐसे ही तैयार होती हैं बहनें अपने भाई के त्योहार, राखी के त्योहार पे। तो ये जो लड़की की जो अभी हॉस्पिटल में है, जिसकी डेथ भी हो जाएगी, वो लड़की जो है पाखी तो नहीं है। वो अपने एक, हो सकता है जो भी हम इसको सोच के चले कि अपने भाई को राखी बांधने गई थी और उसका एक्सीडेंट हो गया। और यहां पे जो सीन क्रिएट हुआ है दोस्तों, जो हमने देखा है कि अनुपमा बा से मिलती है और अनुपमा जाके रोती है, और जिससे ये लगता है कि पाखी मर गई, मगर ये लड़की मरी है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। और अनुज और अनुपमा के लिए, जैसे अनुपमा ने कहा भी कि उस लड़की को जो है वो ठीक रहे वगैरह, किसी की वो होगा, बहन होगी, जो भी बोला अनुपमा ने, तो उसके लिए भी अनुपमा को दर्द होगा, क्योंकि किसी भाई की तो बहन थी वो। क्योंकि अगर पाखी मर गई होती, पाखी को कुछ होता, तो जिस तरह पाखी के मिसिंग होने पे अनुपमा पागल हुई फिर रही है, तो पाखी के मरने के बाद तो अनुपमा क्या ही हो जाएगी। ऐसे बा के गले तो नहीं मिलेगी बा को आश्वासन देने के लिए या बा से आश्वासन लेने के लिए, वो तो चार कदम भी नहीं चल पाएगी अनुपमा अगर पाखी मर जाती है। तो पाखी नहीं मरी है, वो लड़की मरी है। और यहां जो आके अनुपमा रो रही है, उसके रोने में उस लड़की का मरना और पाखी के लिए थोड़ा जो है कहते हैं ना कि एक बची हुई है पाखी को कुछ नहीं हुआ है, वो वाला आश्वासन भी है कि मेरी पाखी को कुछ नहीं हुआ है, वो पाखी नहीं थी। ये मिला जुला रिएक्शन होता है। ये कभी भी जैसे हम देखते भी हैं कई जगह पे बुलाया जाता है शिनाख्त के लिए लोगों को कि अपनी डेड बॉडी जो है उसमें से देख लो बेटा है, या जब कुछ ऐसा होता है एक्सीडेंट्स या जो भी होता है, तब ये मिला जुला रिएक्शन होता है लोगों का। तसल्ली होती है कि मेरा पर्सन नहीं है, और दुख भी होता है कि किसी का तो था। तो ऐसा ही रिएक्शन है अनुपमा का। तो बाकी देखते हैं कैसे दिखाते हैं, मगर कुछ इस तरफ ही ये जा रहा है कि ये एक्सीडेंट वाली लड़की जो है ये पाखी जैसी ही थी, मगर किसी और की बहन थी, अपने भाई को राखी बांधने जा रही थी और एक्सीडेंट हो गया। हो सकता है कि उसके भी घर वाले अभी उसको ढूंढ ही रहे हो, तो ये सारे ख्याल भी आएंगे, सब कुछ होगा। तो अनुपमा का रिएक्शन जो हमने देखा है बाघ से गले मिलने वाला, वो इसी तरफ जाता है। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।